में उपचुनावों की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी पारा जमकर उबाल मार रहा है। कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग से लेकर सोशल मीडिया वार तेजी से चल रहा है। खास करके हाल ही में कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस के निशाने पर हैं। कभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो कभी टिकट को लेकर। अब राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दावा करके ना सिर्फ सियासत गर्मा दी है बल्कि सिंधिया समर्थकों में भी खलबली पैदा कर दी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी 12 को टिकट नहीं देगी और 10 को जीतने नहीं देगी, जबकि सीएम शिवराज और प्रदेशाध्यक्ष पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 24 में से 22 सीटों पर समर्थकों को ही उतारा जाएगा। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से एमपी कांग्रेस ट्विटर पर तेजी से एक्टिव हो गई है। कोरोना संकट काल में सड़कों पर ना उतरने के चलते कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर रही है। अब एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके दावा किया है कि बीजेपी 22 चयचंदों में से 12 को टिकट नहीं देगी और 10 को जीतने नहीं देगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कांग्रेस इस तरह का दावा कर चुकी है। इसके पहले कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा था कि इस ट्वीट को संभाल कर रखना, बीजेपी 22 जयचंदों में से 12 को टिकट नहीं देगी और 10 जयचंदों को टिकट देगी लेकिन उन्हें जीतने नहीं देगी। इस तरह पूरे 22 निपट जाएंगे। जबकि हाल ही में अशोकनगर में मुख्यमंत्री शिवराज ऐलान कर चुके हैं टिकट तो उन्हीं को मिलेगा जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि 24 में से 22 सीट पर सिंधिया समर्थक ही उम्मीदवार होंगे। वहीं सिंधिया खुद भी कह चुके हैं कि 22 समर्थकों को टिकट दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस बार बार ये दावा किस आधार पर कर रही है? क्या कांग्रेस को कोई संकेत मिला है या फिर कोई है जो गुप्त जानकारियां कांग्रेस तक पहुंचा रहा है? इस तरह सवाल बहुत है लेकिन जवाब नहीं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने वादे पर कितना खरा उतरती है और कौन कौन जीत का परचम लहराता है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।